दोस्तों डचल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, स्लो चला, रुक रुक के चला, अटक अटक के चला, मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और आप इससे परेशान रहते हो ना, तो समय समय पे मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा कि मोबाइल की जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कैसे होगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो ना, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है। अगर आप अपने फोन को सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हो ना, तो जिंदगी में मरते दम तक ना तो कभी मोबाइल हैंग करेगा, ना तो स्लो होगा, ना तो कभी गर्म होगा, बिल्कुल नया की तरह स्पीड चलेगा मोबाइल, कभी जिंदगी में खराब नहीं होगा, बिल्कुल नया के नया तरह रहेगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को यानी कि किसी भी कंपनी का मोबाइल आप चलाते हो ना, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे आप अपडेट किया जाता है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। देख सकते हो यहाँ पे दो मोबाइल है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ना अलग अलग कंपनी का स्मार्टफोन यूज करते हैं और हर कंपनी का जो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का तरीका है ना एक ही है, लेकिन सेटिंग जो है ना अलग अलग आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखते हो ना, तो ए टू जेड में आपको हर तरीका बताऊंगा जो आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट को बड़ी आसानी से कर सकते हो, जिंदगी में कभी भी मोबाइल हैंग नहीं करेगा, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल नया हमेशा रहेगा मोबाइल जी। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहां पे इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला हूं, उसके बाद दोस्तों इस मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मोबाइल के सेटिंग में चले जाओगे, जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाओगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पे देख सकते हो आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टम अपडेट पे क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, यहां पे काफी सारा चीज दिया गया है, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर ओवरहीट हो रहा है यानी कि बग है, या आपका मोबाइल बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है यानी कि कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है, बहुत सारा जो बग प्रॉब्लम रहता है ना ये अपडेट होने के बाद ठीक हो जाता है। तो यहां पे कितना एमबी का है, किसी किसी फोन के अंदर जो ना 200 एमबी का होता है, किसी किसी फोन के अंदर 300 एमबी का होता है, 1 जीबी का भी हो सकता है, 600 एमबी का भी हो सकता है, मेरे मोबाइल के अंदर जो ना 820 एमबी का यहां पे अपडेट देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको जो ना इंस्टॉल बटन आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी यहां पे अपडेट करके रखा हूं, तो इस मोबाइल के अंदर मैं ऑलरेडी अपडेट नहीं किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले मैं दोस्तों इस मोबाइल के अंदर ऑलरेडी मैंने यहां पे डाउनलोड कर लिया, तो यहां पे सिर्फ इंस्टॉल बटन यहां पे आ रहा है, तो यहां पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे वेरीफाई यहां पे हो रहा है, क्या लिखा हुआ, वेरीफाइंग यहां पे अपग्रेडिंग यहां पे पैकेज हो रहा है। तो सबसे पहले आपका मोबाइल यहां पे स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों यहां पे जो भी आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा ना यहां पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ सेकंड यहां पे मैं वेट कर लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए स्विच ऑफ होने के बाद यहाँ पे ऑन हो चुका है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंस्टॉलिंग यहाँ पे अपडेट यहाँ पे पैकेज हो रहा है, और यहाँ पे आपका मोबाइल जो ना यहाँ पे 100% फुल चार्ज होना चाहिए, यानी कि आपका कम बैटरी नहीं होना चाहिए, यानी कि 80% 60 या 70% से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने में समय लग सकता है, यानी कि 2-5 मिनट यहाँ पे लग सकता है। तो पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको वेट में कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे होगा, लिखा हुआ ब्लैक स्क्रीन जो ऑप्टिमाइजेशन यहां पे लिखा हुआ, टेक वेट यहां पे, प्लीज वेट यहां पे बता रहा है, तो मैं यहां पे वेट कर लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली यहाँ पे अपडेट हो चुका, सॉफ्टवेयर अपडेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जितने भी चीज यहाँ पे था पूरी तरह से ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो चुका। जैसे ऑप्टिमाइज होने के बाद यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद मैं आपको फिर से वापस से यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ना वेट करना होगा यहाँ पे, जब तक यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट ना हो जाए, इंस्टॉल नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ पे आपको जो सिस्टम है ना इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे सिस्टम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, यानी कि आपका जो अपडेट है आपने काफी समय से नहीं किया होगा ना, तो एक से ज्यादा भी अपडेट बता सकता है, यानी कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, इंस्टॉल भी हो चुका, अपग्रेड भी होने का, फिर से ऑन करोगे, फिर चेक करने जाओगे ना, तो यहां पे आपको बताएगा। मैंने यहां पे कर लिया, करने के बाद यहां पे एक और अपडेट यहां पे बता रहा है, वो भी 5 जीबी का यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट बता रहा है। तो यहां पे डाउनलोड बटन बता रहा है ना, यहां पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यानी कि पहले मैंने डाउनलोड कर लिया था, अब यहां पे डाउनलोड करूंगा, तो यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका। तो मैंने ये आपको पहला मोबाइल के अंदर प्रोसेस बता दिया, तो यहां पे मैं क्या करूं, अभी पॉज कर देता हूं, दूसरे मोबाइल के अंदर लेके चलता हूं। तो
दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे दूसरा मोबाइल यहाँ पे मैंने हाथ में ले लिया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आप नीचे जाओगे ना, नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी किसी फोन के अंदर जो ना सिस्टम अपडेट होता है, किसी किसी फोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो यानी कि काम वही होता है लेकिन अलग अलग आपको सेटिंग मिलता है। हर मोबाइल के अंदर हर कंपनी वाले जो ना वही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है लेकिन वो जो नाम है ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, आप सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल होगा, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो क्लिक करने के बाद यहां पे भी लिखा हुआ कि आपका जो भी बग होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या ओवरहीट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है ना यहां पे आपको इस अपडेट कर लेते ना सॉफ्टवेयर अपडेट तो आपका ठीक हो जाएगा। तो यहां पे जो ना 425 MB का है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। तो आपको भी डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका। पहले डाउनलोडिंग होगा उसके बाद यहां पे इंस्टॉल होगा। तो यहां पे डाउनलोडिंग यहां पे देख सकते हो, यहां पे अपडेट हो चुका है, यहां पे देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल भी कर सकते हो, इंस्टॉल नाउ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा यहां पे एंड्रॉइड सिस्टम अपडेटिंग यहां पे देखने को मिला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे 100% यहां पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका। तो मोबाइल यहां पे रीस्टार्ट होगा यानी कि मोबाइल स्विच ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, जो भी यहां पे प्रॉब्लम होगा पूरा का पूरा यहां पे ऑप्टिमाइज करने वाला है। तो इसको भी यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैं वेट कर लेता, उसके बाद मैं प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं एंड्रॉइड यहां पे अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, यहां पे देख सकते हैं अपडेट यहां पे 25% यहां पे हो चुका। और इसके अंदर आपको कुछ भी बटन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और आगे मैं बताऊंगा कि अगर आप यहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अगर आपका मोबाइल ऑन हो जाता ना तो आपको एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो आप बहुत पछताने वाले हो, ठीक है, अपडेट यहां पे नहीं होगा। तो यहां पे मैं देख सकते हो यहां पे कुछ सेकंड में वेट कर लेता हूं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली यहां पे मोबाइल जो ना अपडेट हो चुका। और मैंने आपको बताया था कि बहुत पछताओ, क्यों मैं बोल रहा था कि अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मोबाइल यहां पे ऑन हो जाता है ना तो आपको स्विच ऑफ नहीं करना, अगर आप स्विच ऑफ करोगे ना तो आपका मोबाइल करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे यहां पे जो ना फिनिशिंग यहां पे बता रहा था सॉफ्टवेयर अपडेट का यहां पे नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको पूरी तरह से आपको फिनिश होने देना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे योर फोन इज हैज बीन अपडेट यहां पे लिखा हुआ, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर यहां पे अपडेट हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाओगे, एक से ज्यादा होगा तो आपको आएगा भी, यानी कि आपने अपडेट कर लिया तो दूसरा बार भी चेक करोगे तो आ सकता है, यानी कि काफी टाइम से आपने नहीं किया, यानी कि 1 साल 1.5 साल से आपने मोबाइल को अपडेट नहीं किया ना, तो आपको 2-3-4 बार भी आपको अपडेट बता सकता है। सभी को अपडेट करोगे ना तो मोबाइल कभी जिंदगी में हैंग नहीं करेगा, बिल्कुल स्मूथ नया की तरह आपका फोन हमेशा रहेगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्किंग है। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट है कैसे किया जाता है। कोई भी फोन कंपनी वाले हो, काम एक ही होता है लेकिन नाम जो है ना अलग अलग आपको दिखने को मिल जाएगा, आपको बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो चली, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।